पटना आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल में आज से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि यहां पहले भी कोवैक्सीन दी जा रही थी, जहां हर रोज करीब 60 लोग ये वैक्सीन लेते थे, पर अब यहां कोविशील्ड दी जा रही है, जिसकी शुरुआत 5 अप्रैल से हो गई है। वहीं तकरीबन 250 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी है, जिसकी जानकारी आयुर्वेदिक अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर धनंजय शर्मा ने दी। साथ ही उन्होंने लोगों से सुरक्षित और सतर्क रहने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया, पटना।